नंदिनी क्या जबरदस्ती है ये, क्या जिद है? बच्चा वो है, तुम नहीं हो। देखा तुम्हारी जिद की वजह से क्या हुआ। I'm so sorry आशीष, I'm so sorry नंदिश बेटा, नंदिश आराम से बैठो, नंदिश बेटा, नंदिश बेटा, I'm so sorry, no sorry, it's like this, आप मेरी नकली माँ, क्योंकि असली माँ बच्चों को पानी में नहीं डुबाती, नकली माँ ने जानबूझकर उसका डुबाया मुझे, मेरी आंखें जल रही हैं। बेटा वो आपकी आंखों में क्लोरीन वाटर चला गया था ना, बस इसीलिए, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। और मम्मा ने आपको जबरदस्ती नहीं डुबाया, वो आपके साथ रेस करना चाहती थी इसीलिए बस। बेटा सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज मैत्री माँ को बुलाओ, वही मेरा ध्यान रखती है, ये गंदी है। बेटा मैं भी ध्यान रख सकती हूँ बेटा आपका, प्लीज पापा मैत्री माँ को बुलाओ ना प्लीज। प्लीज बेटा इना, मम्मा है, पापा भी है, ऐसा क्या कर लेगी मैत्री माँ से जो हम नहीं कर सकते आपके लिए। हाँ अब मम्मा को बताओ, आप पापा को बताओ, हम आपको बहुत ढंग से ख्याल रखेंगे बेटा। मेरी आंखें जल रही हैं, वो फूक मार कर ठीक कर देंगे वो। बेटा मैं करती हूँ ना आपकी, मैं फूक मारती हूँ आपकी, आओ मैं क्या। नहीं नहीं नहीं, वो मैजिशियन है, वो हमेशा ऑल राइट कर देती है। पापा प्लीज कॉल मैत्री माँ को बुलाओ ना पापा। आशीष किसी से पूछो ना, आई ड्रॉप होगी, आइस पैक होगा, कुछ नंदिश की आंख में लगाने के लिए। मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ बच्चे की ना आंख में पानी चला गया, आपके पास कोई आई ड्रॉप होगा प्लीज? जी सर मैं देखता हूँ। प्लीज पास। मुझे आई ड्रॉप नहीं मैत्री माँ चाहिए। नंदिश बेटा वो यहाँ नहीं आ सकती, मास्टर जी आपके बिजी है, हम घर पे नहीं, हम घर के बाहर है बेटा। आशीष का वीडियो कॉल आ रहा है। हाय बच्चू, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ बेटा, आप ठीक हो ना? मैत्री तुम बिलीव नहीं करोगी कि आज नंदिश ने कितने मजे किया हमारे साथ, और हमने ना स्विमिंग में रेस भी लगाई थी। अच्छा, और मैं पानी में डूब गया था। क्या? मेरी आंख में फ्लोरिंग वाला पानी चला गया था और आग जलने लग गई है। आशीष नंदिश क्या बोल रहा है? मैत्री डोंट वरी, छोटा सा इंसिडेंट था, अब सब ठीक है ना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये देखो ये आई ड्रॉप्स भी आ गए, मैं तुम्हारे सामने ही इसकी आंखों में डाल देता हूँ। ओके मुझे आपसे नहीं डलवानी है, माँ से डलवानी है। प्लीज माँ आ जाओ, माँ आप आकर दवा डाल दो। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, हम नंदिश को संभाल लेंगे, डोंट कम मैत्री। नो नो नो, मैं दवा सिर्फ माँ से डलवाऊंगा। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, दिखाओ नंदिश, दिखाओ आंखें, दिखाओ इधर। आशीष रुको, क्या हुआ? मैंने अभी वो ड्रॉप्स का लेबल देखा। सुनो पिछली बार जब नंदिश गया था स्विमिंग पूल में, यही वाले ड्रॉप्स डाले थे मैंने उसे, इस ड्रॉप से उसे एलर्जी हो गई थी। ये वाले ड्रॉप मत डालना, मैं दूसरी दवाई का नाम भेजती हूँ तुम्हें। ठीक है नंदिश छोटा, मैत्री ने दवाई का नाम भेज दिया, मैं लेकर आता हूँ, तब तक तुम इसकी आंखों में पानी की छींटे मार देना। हाँ। ओके? पापा रुको, मैं भी चलूंगा आपके साथ। अरे नहीं नंदिश बेटा, आपकी आंखें जल रही है ना, अब अम्मा के साथ बैठो। हाँ आशीष तुम दवा लेके आओ ना जल्दी जाकर, नंदिश मेरे साथ ही है। ठीक
मैं हूँ ना आपके पास। एक्सक्यूज मी, आप पानी लेके आएंगे? मैडम वहाँ आने में कम से कम एक डेढ़ घंटा तो लगेगा। एक डेढ़ घंटा? नहीं भैया, मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है क्लाइंट के साथ, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, जल्दी आइए। मैडम उड़ के तो आएंगे नहीं ना, आप शहर से बहुत दूर हैं, समय तो लगेगा ही। चलो चैंप, रेडी हो जाओ, आज हम बहुत मजे करने वाले हैं, चलो। अरे चैंप, नंदिश अभी तक रेडी क्यों नहीं हुआ है? डिनर पार्टी में जाना है ना नंदिश? नंदिश बेटा, आपको पता है वहाँ पे क्या क्या मिलेगा? पहले तो यम्मी यम्मी फूड, फिर वहाँ होगा म्यूजिक भी, और फिर हम करेंगे डांस। कितना मजा आएगा है ना? मंडू, खाना रूम में ऑर्डर कर लेते हैं, मुझे इसका मन नहीं लग रहा जाने का। आशीष क्यों, अगर रूम में ही बैठ के खाना था तो हम घर में भी खा सकते थे। नंदिश बेटा, मम्मा को अपनी आंखें दिखाओ ढंग से। आपकी रेडनेस तो ठीक हो रही है। हाँ, ऑलमोस्ट ठीक ही हो गई है, और जो थोड़ी बहुत जलन है ना, वो भी छू मंतर हो जाएगी बहुत जल्दी। पार्टी में एंजॉय करना है ना नंदिश को? हाँ चलो कपड़े पहनते हैं। इसीलिए आप मेरी मम्मा नहीं हो, मैं तेरी माँ होती जब तक मैं बिल्कुल ओके नहीं हो जाता, पार्टी का वो तो फूड भी नहीं खाती। नंदिश बस करो, मैत्री को यहाँ बुलाने के लिए ड्रामे मत करो फालतू के। अंदु, बच्चा है डांटो मत, उसकी आंखें अभी भी लाल है, पार्टी लाइट से इरिटेशन और बढ़ सकती है, प्लीज डांटो मत। ठीक है, पकड़े से जरा। नंदिश आ जाओ। टंटेला, अब मैं छोटू तिवारी की आंखें बिल्कुल भी नहीं जलेंगी, और कितना कूल लग रहा है मेरा छोटू। अब हम पार्टी में चलेंगे ना, तो पार्टी से आपकी जो ये इचीनेस है ना आंखों के अंदर, ये छूप मंतर हो जाएगी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैडम बहुत ट्रैफिक है, आने में टाइम लगेगा। क्या करूं, इनके भरोसे रही तो मेरी मीटिंग तो गई आज। तो मैं भी नहीं जाऊंगा आपके साथ। नंदिश बिहेव, इधर आओ। नंदिनी मैम, नैनी हूं ना नंदिश की, मैं संभाल लूंगी इसे, आप लोग चाहिए अपना डिनर एंजॉय कीजिए। कूल आशीष, हमारे बच्चे के पास उसकी नैनियां ध्यान रखने के लिए, और वैसे भी हमें एक साथ टाइम स्पेंड करना था ना। लेट्स गो, नाउ वी कैन डू इट। नंदु, क्या कर रही हो तुम ये सब? मैत्री है वो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है वो, जिसके बिना तुम एक मिनट नहीं रह पाती थी, तुम्हारी एक गिलासी चार गिलासी भगवान से प्रार्थना की थी तुम दोनों ने, जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई थी, सब भूल गई तुम? क्या कर रही हो नंदिनी, क्या हो गया तुम्हें? आशीष प्लीज, मैत्री प्लीज, बस अब बहुत हो गया इसका। तुम्हें नंदू को अपना पुराना प्यार याद दिलाना होगा, वही वॉर्म्थ, वही कंफर्ट, वही फील, तब जाके वो तुम्हारे करीब आएगी। गाइस प्लीज, तुम लोग अपना मूड क्यों ऑफ कर रहे हो? तुम लोग यहाँ क्यों आए थे? रिलैक्स करने, एंजॉय करने, वही करो। इस सब के चक्कर में
इस ट्रिप का पर्पस बर्बाद मत करो, जाओ एंजॉय करो। जस्ट होप मैत्री ठीक हो। आशीष, तुम्हें ने कहा था ना कि तुम्हें तुम्हारी पुरानी वाली नंदू चाहिए। सी, हियर आई एम। नंदू, नंदू, तुम चेंज कर लो, नंदीश आता ही होगा। क्यों आशीष, तुम्हें ने तो कहा था कि ये हमारा अस्त टाइम है, तो क्यों रोक रहे हो खुद को अब? और वैसे भी नंदिश मैत्री के पास ही रहता है ज्यादा, तो रहने दो। तुम मेरे पास रहो यहाँ। पता है आशीष, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन नंदिश मुझे 100% अपनी माँ कभी भी नहीं मानेगा। नंदिनी देखो। आशीष देखो देखो कुछ नहीं, इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना हम दूसरा बेबी कर लें। हो सकता है नंदिश अगर मेरे पेट में अपने भाई बहन को फील करे तो वो मुझे भी एक्सेप्ट कर ले उसी बहाने। देखो ना आशीष, मौका भी अच्छा है और टाइम भी, क्यों ना हम दोनों पुराने वाले आशु और नंदू बन जाए। जब तक वो नंदिश से दूर नहीं जाएगी तो वो बच्चा अपनी माँ के नजदीक कैसे जाएगा? अरे कुसुम जी, मैत्री समझदार है, वो माँ बेटे को मिलवाना चाहती है, और उसने कहा ना कि वो मीटिंग के लिए वहाँ पर गई थी और वो तीनों उसी रिजोर्ट में थे, अब इसमें उसकी क्या गलती? और हाँ, ये बात भौजी तक मत पहुँचाइएगा वरना वो पीछे पड़ जाएगी। नहीं, क्या हुआ, सब ठीक है? वो मैं नंदिश को बस रूम में लेके ही जा रही थी, वही डर लग रहा था, कच्ची नींद से उठ जाता है तो दोबारा सोता नहीं आसानी से, और नेक्स्ट डे फुल चिड़चिड़ मोड ऑन, तुम तो जानते ही हो। हाँ जानता हूँ, पर पता नहीं नंदू कब जानेगी नंदिश की आदतों के बारे में। कभी कभी ना ऐसा लगता है जैसे कि नंदू को सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नंदिश चाहिए। माँ के नाम का टैग होना और माँ के फर्ज निभाने में बहुत फर्क होता है। उसे माँ का नाम चाहिए पर काम नहीं चाहिए। आशीष, उसे आए कितना वक्त हुआ है,
थोड़ा वक्त तो दो उसे, थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब सीख लेगी। मेरे पेशेंस के लिए मेरी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है मैत्री। ना ही नंदू पहले जैसी है और ना ही मैं नंदू को पहले जैसा प्यार दे पा रहा हूँ। उसने रेस्टोरेंट में तुम्हें जो कहा और नैन हरकत उसकी थी, पर शर्म मुझे आ रही है। I'm sorry यार, sorry। बहुत ही छोटा वर्ड है, sorry। मुझे पता है बुरा तुम्हें भी लग रहा है, बस नाटक कर रही हो मेरे सामने स्ट्रॉन्ग बनने का। मैं पता है, फैमिली हमारे लिए भगवान जी चुनते हैं, पर दोस्त उन्हें हम चुनते हैं। मैंने लाइफ में किसी और को दोस्त बनाया ही नहीं, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे लिए सब कुछ नंदू थी, हंसना खेलना रोना गाना सब कुछ मैंने उसके साथ किया। यहाँ तक कि हमारा सपना था एक ही घर में शादी करने का, ये थी हमारी दोस्ती। सर पूरा ढूंढ डाला पर वो नहीं मिली। आशीष, मैत्री तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नंदिश के साथ रहने के लिए कहा था ना। अरे मैं कैसे नहीं आती, नंदिश सो रहा है आराम से। कुछ पता चला नंदू के बारे में? अब तक नहीं। ये क्या तरीका यार गुस्सा दिखाने का, एक तरफ तुमसे कंपैरिजन करती है और दूसरी तरफ इतनी इमैच्योरिटी दिखाती है। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे आशीष, तुम पहले नंदू को ढूंढो। वो बेचारी अब तक हील नहीं हुई है ठीक से, उसका माइंड अनस्टेबल है, ऐसे में कहां चली गई होगी। आई थिंक हमें पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। कैसे करेंगे, अभी 24 घंटे नहीं हुए, मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते। हाँ तो मैं पापा को कॉल कर लेती हूँ ना, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। नंदू, नंदू कहाँ थी यार तुम? हाँ ऐसे बिना बताए कौन जाता है? नंदू क्या हुआ? क्या हुआ नंदू, क्या हुआ, तू इतना क्यों रो रही है? नंदिश ये पनीर अभिता पास्ता पापा का फेवरेट है, ये ट्राई करना बड़ा टेस्टी है। पापा क्या हुआ? कल नकली माँ ने माँ को बैड बैड बोला और फाइट भी की, दोनों वापस फ्रेंड कैसे बन गए? और नैनी क्या होता है, नकली माँ माँ को नैनी क्यों बुला रही थी? नैनी वो होती है जो आपसे बिग 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 वाला प्यार करती, इसलिए मम्मा ने मासी को नैनी बुलाया। फिर ठीक है, वेरी गुड। माँ तो मुझे बिग 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 वाला प्यार करती है। हाँ आपसे बहुत प्यार करती है, और कभी कभी जैसे आप अपने स्कूल में अपने फ्रेंड से इकट्ठी कर लेते हो फिर नेक्स्ट डे अब्बा कर लेते हो, वैसे ही मम्मा ने भी मासी से पैचअप कर लिया, क्योंकि आपकी मम्मा आपकी मासी से बहुत प्यार करती है। तो मासी को प्यार करेगा, मैं उससे प्यार करूंगा। ओके बेटा चलो। थैंक गॉड मेरे पास एक और जोड़ी कपड़े थे गाड़ी में, वरना अब तक वो गंदा सा सूट पहन के घूम रही होती मैं। नहीं नहीं पर बहुत फिटी लग रहा है। रिजारट से वापस आते समय का मिश्रा परिवार के घर होते हुए आए हो जो ये उठा लाए? नो दादी, मासी हमारे साथ रिजॉर्ट में ही थी। हाँ ये तुम लोगों के साथ रिजारट में थी? तुम हमारी बहू को उसके बेटे के साथ अकेला छोड़ने का कार टैक्स लोगी बता दो, जो मांगोगी हम देने के लिए तैयार है। ताई जी, ताई जी मैत्री जिस रिजॉर्ट में मीटिंग करने के लिए गई थी कोइंसिडेंटली हम भी उसी रिजॉर्ट में थे। ये हमारे साथ काहे नहीं होता है? अरे आजी ये डेंट एक्सीडेंट इंसिडेंट डेंट हमारे साथ काहे नहीं होता? अरे डेंट करने का इसी ने ठेका ले रखा है का? रिलैक्स ताई जी,
मैत्री के आने से तो मजे और डबल हो गए थे। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी कि हम सबको साथ ही में जाना चाहिए था, साथ में जाते और टाइम स्पेंड करते पहले की तरह। अरे नंदू क्या कह रही है तू, हम तेरे दल में है भाई, और अब तू खुद ही दल बदल रही है। भाई जी इलेक्शन थोड़ी ना है जो दल बदलूंगी। हम तो फैमिली है ना, और फैमिली के अंदर एक बार कोई आ गया तो देयर इज नो एग्जिट पॉइंट, है ना आशीष? हाँ नंदू। वैसे बहुत गर्मी हो रही है ना, मैं अपनी फैमिली के लिए लाइम जूस बना के लेके आती हूँ, ठीक है? एक मिनट बेटा, तुम्हारी इतनी सुंदर बातें सुन के हमारा दिल और हमारी आंखें दोनों भर आए। इस घर की असली बहू परिवार को जोड़ने के लिए कितनी कोशिश कर रही, इस वक्त हम परमानंद में आसपच्ची बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा करते हैं, हम लेमन जूस नहीं, हम और कुसुम सिकंजी बना के लाएंगे। आ कुसुम। देखा नंदू, तुम खुश तो पूरा परिवार खुश। नंदू तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया, चले? ओके मामा, चलिए। नंदू तुम कर क्या रही हो, चल क्या रहा है आखिर? कल तक तुम मैत्री की कंप्लेंट कर रही थी और आज उसी का साथ दे रही हो। जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया था वो तुमने दिमाग से डिलीट कर दिया क्या? What? Wow, Mama. आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं आपे की बेटी हूँ। मतलब मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि आपको पता ही नहीं चला। मतलब कि मैत्री से दोस्ती करना, उसकी हैप्पीनेस की केयर करना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा दिखावा है। मेरा असली प्लान मैत्री को इस घर से और मेरी लाइफ से दूर करना है, क्योंकि जो चीजें मैंने खो दी है उन पे दोबारा कंट्रोल में तभी पा पाऊंगी जब मैत्री इस घर से बाहर जाएगी। और क्या है प्लान तुम्हारा? मेरा प्लान जितना सिंपल है उतना ही डायरेक्ट भी। आशीष को पाने के लिए मुझे मैत्री को दूर करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने मैत्री की दूसरी शादी कराने का प्लान किया। एक हैंडसम सा पति है, नंदिश है, लेकिन तेरे पास, मेरा मतलब है मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है यार, है ना नंदू? तू है, नंदिश है, आशीष है, मेरा भी प्यारा सा परिवार है, तुम लोग मेरे ही तो हो। ऑफ कोर्स हम हैं तेरे साथ और हम हमेशा रहेंगे, लेकिन मेरा मतलब है एक लाइफ पार्टनर यार, जो हमेशा तुझे सपोर्ट करे, लाइफ टाइम तेरे साथ रहे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली और अब तो तुम्हारे पास ना करने का कोई रीजन भी नहीं है। तो प्रॉमिस कर मुझसे कि तू शादी की बात आगे बढ़ाएगी। मैत्री कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे लग रहा हो कि मैं तेरी लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरफेयर कर रही हूँ, तुझे बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं नंदू ऐसी कोई बात नहीं है यार, मैं तो खुद लाइफ में मूव ऑन करना चाहती हूँ। कई लड़कों से भी मिली पर मुझे आज तक कोई ऐसा लड़का मिला ही नहीं जिसके साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड करने के बारे में सोच भी सकूं। अरे सिर्फ लड़का ढूंढने की बात है तो मैं हूं ना। अब देख, मैंने अपने लिए तो आशीष जैसा हैंडसम लड़का ढूंढी लिया, तो ऑफ कोर्स मैं तेरी मदद भी कर सकती हूँ। तू मेरे बारे में इतना सोच रही है वही मेरे लिए काफी है, पर जो लास्ट टाइम हुआ था उसके बाद से मैं शादी को लेकर डबल श्योर होना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं लड़का खुद डिसाइड करूँ। ओ, तूने डायरेक्ट नहीं बोला कि मैं समझ गई थी,
पिछली बार सारांश भैया को मैंने चूज किया था तेरे लिए, और देखना क्या हो गया। I'm so sorry, मैत्री, मैं हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हिया कहे आ रहे हैं भाई, मैत्री के लिए आ रहे हैं तो मैत्री के घर जाए ना, अब ये तितिम्बा भी हम अपने सर पे पाल ले का है? नंदू तुमने ये भी कर लिया? कोई शक मिस्टर हबी? ताई जी हा? लड़के वालों को मैंने बुलाया है, तो अफकोर्स इसी घर में आएंगे, है ना? और वैसे भी हम सब चाहते हैं कि मैत्री की शादी हो जाए। और भौजी लड़के वाले कहाँ आ रहे हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले, है ना? चलो ठीक है, अब जब सब लोग हैं राजी तो काहे मना करें ताई जी, हैं? ठीक है बुला ले बहू उनको, है थोड़े दिन और झेल लेते हैं, इसी बहाने बला टलेगी जल्दी से जल्दी। ओफो कुसुम कितने काम बाकी हैं अभी, नंदिनी को फोन करके पूछो ना भाई लड़के वाले काहे नहीं आ रहे हैं। देखिए लड़के वालों को यहाँ बुलाने का फैसला नंदिनी ने ही लिया था, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो हम लोग लड़के वालों से बाहर भी कहीं मिल सकते हैं। और हम जो सवेरे से अपनी कमर तोड़ रहे हैं इन सारी तैयारियों के लिए, तो हमारे माथे पे लिखा हुआ है गधैया ढेंचू ढेंचू, है ना? अभी आप कुछ मत सोचिए, बस मैत्री के बारे में सोचिए। पटाखे फूटने तो अभी से शुरू हो गए हैं, लड़के को देख के तो आतिशबाजी होगी। बेचारी मैत्री। मैत्री ये देख मैंने तेरे लिए पसंद किए इन्हीं बैंगल्स को पहनना आज। मुझसे ज्यादा तो तू एक्साइटेड लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे तेरी शादी हो रही है मेरी नहीं। ऑफ कोर्स यार, अपनी बेस्ट फ्रेंड को दो दो बार उसकी शादी के लिए रेडी करना कोई कम बात है क्या? अलग ही मजा है इसमें। I'm sorry, मैत्री, वो एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, सॉरी। हाँ लेकिन मैत्री तू अपनी लाइफ में सेटल होगी ना तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। आह कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे मेरी बेस्ट फ्रेंड को, रुक जा। आज तो लड़का ना तुझे देखकर ही बेहोश हो जाएगा। अच्छा जी कुछ तो बता दे लड़के के बारे में, ऐसा ना हो तेरा सरप्राइज मुझे शौक ही दे दे। हाँ मैं ही बेहोश ना हो जाऊं? नहीं होगा। सुन मैं चाहती हूँ तेरे फेस के रिएक्शन देखना, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, समझी? अच्छा सुन वेट कर, मैं देख क्या तू लड़का आया नहीं। ओके रेडी रहना। अरे लड़के वाले अभी तक आए नहीं ना? भाई जी पर अभी तक तो आ जाना चाहिए था उन लोग को। अरे ये है का? यही है, आई आई वेलकम प्लीज। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। हाय आकाश। मैं क्या बताऊं तुझे, बहुत ही चीप और घटिया किस्म का इंसान है वो, उसने बहुत गंदी गंदी बातें की थी मेरे और आशीष के बारे में, मुझे नहीं मिलना है उससे, मुझे नहीं करनी उससे शादी। लेकिन मैत्री उसने ऐसा क्या बोला तेरे और आशीष के बारे में? मेरा मतलब है कुछ तो देखा होगा ना तभी बोला होगा। नंदू मैत्री मेरा मतलब वो नहीं था, पर मैं सब यही तो पूछ रही हूँ ना, ऐसा क्या देखा आकाश ने?
क्या हुआ है बताना मैत्री। बात बताने लायक नहीं है नंदू, तू प्लीज उसे जाकर मना कर दे और उसे घर वापस भेज दे, मुझे नहीं करनी है शादी। मैत्री तू इतना छुपा रही है ना, इसलिए अब मुझे जानना है कि आकाश ने ऐसा क्या बोला है तुम दोनों के बारे में, ऐसा क्या कमेंट किया उसने कि तू मुझे बताने से भी शर्मा रही है। नंदू अब तू उसके कहने से डिसाइड करेगी कि मेरे और आशीष के बीच में कुछ गलत था? क्या तू नहीं जानती आशीष को, मुझे? अरे यार तुझे तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए, उल्टा तू तो मुझे पे डाउट कर रही है, मुझे से सवाल कर रही है। तुझे समझ भी आ रहा है तू किन दोनों लोगों के बारे में बात कर रही है? एक मैं, मैत्री तेरी बचपन की दोस्त पक्की वाली, और दूसरा तेरा पति आशीष। यार बाहर वाले तो उल्टी सीधी बातें करते ही हैं, अब क्या अपनों को भी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या? मैत्री मेरा वो मतलब नहीं था, यार मैं समझती हूँ, पर तू यार तू मेरे साथ नीचे चल, तुझे नहीं पता है मैंने कितने एफर्ट्स किए हैं। मैं खुद आकाश के पास गई, उससे बात की, उसे कन्विंस किया, फिर वो आया है। अब नीचे जाके क्या बोलूं, क्या बोलूं कि मैत्री नहीं आ रही है, सॉरी आप लोग जाइए? यार कितना वियर्ड लगेगा मैत्री, तू प्लीज चल यार। तुझे मुझसे एक बार बात कर लेनी चाहिए थी नंदू, एक बार बता देती मुझे कि तू आकाश से मिलवा रही है मुझे, मैं तभी मना कर देती। अब सुन तूने बुलाया है ना, तू हैंडल कर, उसे वापस भेज, उसे मना कर दे, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। कोई दिक्कत है क्या, पूछ लीजिए मैत्री से आप एक बार, हम देखते हैं। अरे आप कहे तकलीफ कर रही हैं, हम बुला देते हैं यहीं से आवाज देके। नंदिनी बिटिया अपनी सहेली को नीचे लेकर आओ। देखो लाली लिपस्टिक लगाने से कोनो सूरत बदलने वाली तो है नहीं, जैसी की वैसी ले आओ, यहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे प्रयागराज में हजारों कैफे हैं, हजारों रिजॉर्ट्स हैं, कहीं पे भी बुला सकता था मीटिंग के लिए यार, लेकिन वही क्यों? ताकि नंदू तुम्हें वहाँ देखे और तुम्हारे ऊपर भड़क जाए। और इतना तो सिर्फ एक ही इंसान गिर सकता है, जो नंदिश की टीचर को ब्लैकमेल करके पीटीएम में हंगामा करवाए, वसुंधरा सिंह राठौर। हमें समझ जाना चाहिए था आशीष, हमें नंदू को जाके बताना होगा कि वसुंधरा आंटी उसे प्यार के ग्लास में जहर पिला रही है। मैंने उसे इससे पहले भी वॉर्न करने की कोशिश की थी लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, लेकिन इस बार हम प्रॉपर प्रूफ के साथ जाएंगे, उसे बताएंगे उसकी मम्मी की असलियत क्या है, तब जाके वो हमारा विश्वास करेगी और वो खुद वसुंधरा आंटी से कहेगी कि इस घर से चली जा। उसके बाद ही आशीष तुम दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो सकता है। आई एग्री मैत्री, मुझे भी रिजॉर्ट के प्लान से पहले ये सब सॉर्ट कर देना चाहिए था, बट बेटर लेट देन नेवर। मैत्री तुम जो करोगी मैं उसमें तुम्हारे साथ हूं। नंदिश ऐसे बोलने में मजा आता है। अच्छा मैं बोल रहा था कि आज आपका मुझे ड्राइंग प्रैक्टिस करवा देना क्योंकि कल कंपटीशन है। नंदिश मासी को ना अपने घर जाना है, अपनी मम्मा के पास, क्यूट नानी की तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती ना इसलिए, बट आई प्रोमिस कल सुबह होते ही मैं यहाँ आ जाऊंगी, तब तक अब ड्रॉइंग प्रैक्टिस मम्मा और पापा के साथ कर लेना। ओके ओह नो मींस मुझे आपके बॉयफ्रेंड और पापा की वाइफ के साथ सोना पड़ेगा। नंदिश बेटा मासी ने पहले भी आपको मना किया है ना, ऐसे नहीं बोलते, वो आपकी पापा की वाइफ होने के साथ साथ आपकी नंदू मम्मा भी है। अब चलो मासी को प्रॉमिस करो आप नंदू मामा को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे और उनके साथ प्यार से रहोगे। नंदिश प्रॉमिस। मेरा प्यारा बच्चा। गुड बॉय। नंदिश बेटा आज ना मम्मा आपको लायन और गोट की स्टोरी सुनाएंगी। नो 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 मुझे डायनासोर वाली सुनाओ जैसे माँ सुनाती है। बेटा
मासी तो आपको रोज सेम स्टोरी सुनाती है ना, आज कुछ डिफरेंट सुनते हैं, तो मम्मा आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी सुनाएंगी, ठीक है? नहीं, मैंने बोला ना मुझे दूसरी नहीं सुननी है, मुझे वही सुनाओ जो माँ सुनाती है। ठीक है बेबी, वही सुनाती हूँ। अच्छा लेटो। तो नंदिश बेटा, बहुत टाइम पहले ना जंगल में ना डायनासोर बेबी रहता था। आप बीच में से सुना रही हो, रुको रुको, डायनासोर के अंडे से सुनाओ ना जैसे माँ सुनाती है। ठीक है बेबी, आप जैसे कहोगे ना वैसी मम्मा करेंगी। तो बहुत टाइम पहले ना एक जंगल में डायनासोर का अंडा मिला। फिर क्या होता है? फिर एक दिन वो धूप में अंडा फूट जाता है, फिर उसके अंदर से बेबी डायनासोर निकलता है। वाव, आपको तो सब पता है। और फिर क्या होता है? ओफो, स्टोरी मैं सुना रहा हूँ या आप? नहीं आती तो माँ से पूछ लो ना कि आगे क्या होता है। नंदिश बेटा, ये जो मासी वाली स्टोरीज है ना, ये बहुत बोरिंग हो रही है। मम्मा और बेटा ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हैं, ठीक है? नो, मैं कहती है ज्यादा स्क्रीन देखने से आईज खराब हो जाती है। नंदिश बेटा, अगर आपकी मासी को इतनी चिंता होती ना आपकी आंखों की, तो आपको चश्मे नहीं लगे होते और एक दो वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? चलो लेटो, जल्दी लेटो। बोलो कैसे, गला सूख रहा है, थर्स्टी, पानी दो ना प्लीज। नंदिश बेटा, अभी किचन में गई थी ना मैं, तब बोलना चाहिए था आपको। अभी तो आ रही हूँ वहां से, लेके आती हूँ। अच्छा अच्छा, रहने दो, पहले पेंटिंग फिनिश करेंगे, कंपटीशन का टाइम होने वाला है ना। नंदिश बेटा, आप ना डिसाइड कर लो कि करना क्या है, पेंटिंग करनी है कि पानी लेके आऊं, या ये दोनों छोड़ के खाना बनाओ। आपको पता है मम्मा का ना हेडेक हो रहा है, आपके पापा ही मीटिंग के लिए गए हैं, मम्मा क्या क्या करेगी, आपको स्कूल भी छोड़ के आना है, कितने सारे काम है मम्मी के पास। हाँ बेटा, मम्मा सुपर वुमन नहीं है। सॉरी। हाँ इट्स ओके, चलो बताओ बेटा क्या करना है, मम्मा करती हैं, खिलाओ दिखाओ। करने के लिए मैं सीख गया हूँ, आप खाना बना लो, मैं पेंटिंग बना लूंगा। बेटा वैसे ही मम्मी ने कर दिया आधा, आप करो, मम्मा आती हैं। हाँ क्या हुआ? मैं बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, तुमने ऐसे अचानक क्यों बुलाया, इतना क्या जरूरी दिखाना है? शीश, इससे ज्यादा जरूरी इस वक्त और कुछ नहीं। देखो ये तो मैत्री, तुम लास्ट टाइम इन्हीं फोटोज के बारे में बता रही थी ना जो तुमने नंदू के फोन में देखी थी। इन 6 सालों में हम दोनों की तस्वीरें मैंने नंदू के फोन में देखी। हमारा रिश्ता क्या है हमें पता है। और ये तो कल रात की है मैत्री। एग्जैक्टली, इसका मतलब है वसुंधरा सिंह राठौड़ इस घर में पूरा प्लान बनाकर आई थी और नंदू को भड़का के यहां से वापस लेके जाना ही उनका मकसद है। आशीष, इस बार हमारे पास सब सबूत है आशीष, जिससे इस बार नंदू को यकीन होगा। ये फोटोज, वीडियोस, राजकुमार का फोन आना, टीचर को ब्लैकमेल करना, आकाश के साथ मेरी शादी की बात चलाना, ये सब उनके प्लान का हिस्सा था। मैं ये सारी फोटोज नंदू को दिखाने जा रहा हूँ। नंदिश आराम से, आराम से, गिर जाओगे। देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, जल्दी चलिए ना सबके रूम में जाकर सरप्राइज करते हैं। नंदिश बेटा, मम्मा ना बहुत थक गई है, आप जाओ और आप दिखा के लेके आओ, ठीक है? नो प्रॉब्लम, मैं तो जा रहा हूँ। गुड बॉय, जाओ।
नंदू बहुत टायर्ड लग रही हो। थैंक यू मम्मा। हाँ मम्मा आज मैं बहुत थक गई हूँ। बच्चों को संभालना ना बहुत ही टफ होता है और आज समझ आया मुझे आपने मुझे कैसे हैंडल किया। ऑफ कोर्स वो तो है, पेरेंटिंग इज अ टफ जॉब, स्पेशली जब पति का साथ ना होता। अब आशीष के बारे में बात करिए मम्मा। वसुंधरा राठौड़ को जितना जल्दी हो सके इस घर से निकाल दे। चलो नंदू के पास। मैत्री ये इसका जो डाटा है इसे कॉपी कर लेते हैं और जहां से तुमने एक टैबलेट उठाया इसे वहीं।